क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.3। पिछले जो एक्सरसाइज है उसमें हम लोग nth टर्म के बारे में पढ़े थे, अभी हम लोग सम ऑफ सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो कोई भी जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है उसमें जितने भी टर्म्स हैं उनका सम का फॉर्मूला क्या होगा, तो सम ऑफ nth टर्म हो जाएगा n बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, ठीक है, लास्ट टर्म को कहीं कहीं पर एल भी लिख सकते हैं, तो ये ए प्लस एल भी होता है, एन बाई टू ए प्लस एल, ये भी लिख सकते हैं। और अगर लास्ट टर्म पता नहीं है, ठीक है, लास्ट टर्म अगर पता नहीं है तो उस कंडीशन में एस एन का फॉर्मूला हो जाएगा एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक, तो अगर लास्ट टर्म पता है तो इस फॉर्मूला का यूज़ कर देंगे, लास्ट टर्म पता नहीं है, हमको डी पता है, एन पता है, ए पता है, तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट का फर्स्ट, इसमें सीरीज दिया हुआ है 2, 7, 12, 10 टर्म्स का हमको सम फाइंड करना है। तो 10 टर्म क्या होगा उसको पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा, या फिर डायरेक्ट इस फॉर्मूला में पुट करके हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लास्ट टर्म हमको दिया नहीं है। जैसे फर्स्ट टर्म 2 दिया है, सेकेंड टर्म 7 दिया है, थर्ड टर्म 12 दिया है, लेकिन लास्ट टर्म या टेंथ टर्म क्या होगा वो दिया नहीं है। तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, एस एन इक्वल टू, या एन की जगह पर यहाँ 10 लिखा है तो 10 लिखेंगे, एस 10 इक्वल टू 10 बाई 2 टू ए, ए का वैल्यू इसमें हो गया 2, एन का वैल्यू हो गया 10 माइनस 1, और डी हो जाएगा 7 माइनस 2 5। तो ये हो जाएगा 5, 10 बाई 2 हो जाएगा 5। इस तरह से काटेंगे इसको, इस तरह से ब्रैकेट के अंदर मत काट देना, ब्रैकेट के बाहर में जो उसी से कटेगा। ये हो गया 2, 2 जो 4, ये हो गया 9 इंटू 5, तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 45, ठीक है, तो 4 प्लस 45 क्या हो जाएगा 49, 49 इंटू 5 करेंगे तो 49 मल्टीप्लाई 5 इक्वल हो जाएगा 5, 9 जो 45, 5, 4 जो 20 प्लस 4 245 आंसर हो जाएगा इसका। तो इस तरह से बनेगा, ये बहुत इजी क्वेश्चंस है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वन का सेकंड, -37 -33 -29 ... 212 टर्म, 12 टर्म तक इसका सम कितना होगा। इसमें ए हो गया -37 और डी हो जाएगा, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो हो जाएगा -33 -37। तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, -33 प्लस 37 हो जाएगा 4। तो ए का वैल्यू पता चल गया, डी पता चल गया, एन दिया हुआ है 12, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ पर एन का वैल्यू हो गया 12, तो 12 बाई टू हो गया 2 मल्टीप्लाई -37, -37 का ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस 12 माइनस वन, और डी का वैल्यू हो गया 4, तो 2 सिक्स 12 -7, 2 14, 3, 2 1, 6 प्लस 1 7, और ये हो गया 11, 12 माइनस 1 11, 11 4 जो 44, ये आ गया 6 मल्टीप्लाई 74 में 44 जगह तो -30 बचा, 6 3 18, -180 इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन का थर्ड, 0.6 कॉमा 1.7 कॉमा 2.8 ... 2
200 टर्म्स। इसमें भी फर्स्ट टर्म हो गया 0.6 एंड कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, d इक्वल टू 1.7 माइनस 0.6 हो जाएगा 1.1 और n दिया है 100, Sn इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 d, n का वैल्यू कितना है 100, 100 बाई 2 हो गया, 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू 0.6 प्लस 100 माइनस 1 एंड d का वैल्यू है 1.1। 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा, 6 2 12 तो 1.2 और यहाँ पे हो गया 99 इंटू 11 करेंगे तो 1089 हो रहा है, 1089 पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक नंबर छोड़ के पॉइंट दे देंगे। अब इन दोनों को ऐड करके 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो कितना होगा, 9 प्लस 2 11, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2 प्लस 8 10, 1 कैरी और 1 तो 110.1 मल्टीप्लाई 50। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 10 आएगा, ये 0 0 कट गया, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5505 इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन का फोर, वन बाई 15, वन बाई 12, वन बाई 10, 211 टर्म्स। इसमें भी ए हो गया 1/15 और डी का वैल्यू हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15। इसको एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम होगा 60, 12 फाइव जो 60 होता है और 15 फोर जो 60 होता है तो 5 माइनस 4 हो गया 1/60 इसका कॉमन डिफरेंस आया। अब 11 टर्म का सम निकालना है तो एस एन इक्वल टू क्या होता है, एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में पुट करना है 11, एस 11 इक्वल टू 11 बाई 2, 2 मल्टीप्लाई 1/15 प्लस 11 माइनस 1 डी का वैल्यू हो गया 1/60, 11 बाई 2, 2/15 ये हो गया 10/60, 11 बाई 2 यहाँ पर एलसीएम लेंगे 60 आएगा, 15 फोर जो 60 होता है तो 4 टू जो 8 प्लस यहाँ पर 61 जो 60 होता है तो सिर्फ 10 आ जाएगा तो 18 आगे यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ तो 11 बाई 2 मल्टीप्लाई 18 बाई 60 तो 9 टू जो 18, 3 जो 9, 320 जो 60 तो 33/20 इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 का 7 प्लस 10 होल नंबर 1/2 प्लस 14 प्लस डैश 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 प्लस 84। तो यहाँ पर लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म भी पता है लेकिन हमको n पता नहीं है। अगर n पता नहीं है तो हम सम फाइंड नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले a हो गया 7, d हो गया 10 टू जै 20 प्लस 1, 21 बाई 2 माइनस 7, फर्स्ट टर्म 7 है तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 2, 21 माइनस 14 बोलो 7 बाई 2 हो गया d का वैल्यू तो an यहाँ पे दिया हुआ है 84। तो ए एन का फॉर्मूला था ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 84 हो गया, ए का वैल्यू दिया है 7, एन हमको पहले फाइंड करना पड़ेगा, डी दिया है 7/2 84। अब इस 7 को पहले आरएचएस में माइनस कर लेंगे तो एन माइनस 1 इंटू 7/2
इक्वल टू 84 माइनस 7 तो 77 होगा, तो n माइनस 1 इंटू 7 बाई 2 इक्वल टू 77। अब ये 2 डिवाइड में इस साइड में, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा और 7 डिवाइड हो जाएगा, तो आगे यहाँ पे बना रहा हूँ n माइनस 1 इक्वल टू 77 मल्टीप्लाई 2 बाई 7, तो 11 से कट गया ये, 7 11 जा 77, तो n इक्वल टू हो जाएगा 11 2 जा 22, माइनस 1 को इस साइड लेंगे तो प्लस, तो n का वैल्यू आ गया 33। जैसे n का वैल्यू पता चल गया है, अब हम इसका सम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, मैं पहले ही बताया था यहाँ पे लास्ट टर्म हमको पता है, तो बड़ा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। एन 23 आया है तो यहाँ 23 लिखेंगे, ये 23 बाई टू हो गया, फर्स्ट टर्म है 7 और लास्ट टर्म है 84, तो 23 इंटू 2 बाई 2 इंटू 91, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 91 इंटू 23 क्या होगा, 2093 बाई 2, 1046 होल नंबर 1 बाई 2, ये इसका आंसर होगा। तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें पहले n फाइंड करना पड़ रहा है, उसके बाद फिर हम सम फाइंड कर सकते हैं। चलो इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 10 दिया हुआ है, तो ए दिया हुआ है 34 और डी हो गया 32 माइनस 34 इक्वल टू माइनस 2, ए एन दिया हुआ है 10, ए एन का फॉर्मूला लिख लेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 10, ए का वैल्यू है 34, एन माइनस 1 डी का वैल्यू है माइनस 2, माइनस 2 इक्वल टू 10। अब 34 को इस साइड में ले जाएंगे तो n माइनस 1 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 10 माइनस 34, n माइनस 1 इक्वल टू माइनस 24 बाई माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल 12, तो n इक्वल टू 12 प्लस 1 13। जैसे n का वैल्यू पता चल गया है, हम सम फाइंड कर लेंगे, तो s 13 इक्वल टू हो जाएगा 13 बाई 2 फर्स्ट टर्म 34 प्लस लास्ट टर्म 10, ये फॉर्मूला है ना, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 13 बाई 2 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 44, ये 2 से कट गया 22 से, तो 22 इंटू 33 करते हैं 66 22 286, तो आंसर आ गया 286। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर सेकंड का, माइनस 5 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 11 प्लस माइनस 230, तो यहाँ पर a हो गया माइनस 5 और d हो गया माइनस 8 माइनस माइनस 5, दैट इज माइनस 8 प्लस 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5, 5 में 8 गया तो माइनस 3, तो d का वैल्यू आया माइनस 3। ए एन दिया हुआ है माइनस 230, ए एन का फॉर्मूला आप लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू माइनस 230,
अब ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, माइनस फाइव, एन हमको फाइंड करना है और डी निकला है माइनस थ्री इक्वल टू माइनस टू थर्टी। पहले इस माइनस फाइव को हम आर एच एस में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ एन माइनस वन इन टू माइनस थ्री इक्वल टू माइनस टू थर्टी प्लस फाइव। एन माइनस वन इन टू माइनस थ्री इक्वल टू माइनस टू ट्वेंटी फाइव हो गया, ये प्लस फाइव में टू थर्टी जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस थ्री को हम डिवाइड करेंगे इस साइड में क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो एन माइनस वन इक्वल टू माइनस टू ट्वेंटी फाइव बाई माइनस थ्री, माइनस माइनस कैंसिल, थ्री सेवन जै ट्वेंटी वन, थ्री फाइव जै फिफ्टीन। यहाँ पर एन का वैल्यू आ गया सेवेंटी फाइव प्लस वन, देयरफॉर एन इक्वल टू सेवेंटी सिक्स। जैसे एन का वैल्यू पता चल गया है तो हम सम फाइंड करेंगे, एस सेवेंटी सिक्स इक्वल टू सेवेंटी सिक्स बाई टू मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि दोनों ही टर्म माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। इसको टू से डिवाइड कर दो, थर्टी एट माइनस माइनस टू थर्टी फाइव, तो थर्टी एट को टू थर्टी फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे, फाइव एट जो फोर्टी, फोर कैरी, थ्री एट जो ट्वेंटी फोर प्लस फोर ट्वेंटी एट, टू कैरी टू एट सिक्सटीन प्लस टू एटीन, फिफ्टीन नाइन टेन सिक्स सेवन ज़ीरो थ्री नाइन एट, तो माइनस एट नाइन थ्री ज़ीरो इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन ए इक्वल टू फाइव, डी इक्वल टू थ्री एंड ए एन इक्वल टू फिफ्टी, फाइंड एन एंड एस एन। तो एन फाइंड करना है और एस एन भी फाइंड करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले ए एन का यूज़ करेंगे, ए एन इक्वल टू फिफ्टी दिया हुआ है तो ए एन का फॉर्मूला जगह ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू फिफ्टी। अब इसमें ए का वैल्यू हमको पता है फाइव है, एन माइनस वन और डी का पता है थ्री, ये फिफ्टी प्लस फाइव को आर एच एस में ले जाएंगे तो माइनस होगा, तो एन माइनस वन इंटू थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर्टी फाइव, फाइव को हमने फिफ्टी में माइनस किया तो फोर्टी फाइव है। अब थ्री मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड होगा, तो एन माइनस वन इक्वल टू हो जाएगा फिफ्टीन, फोर्टी फाइव में थ्री डिवाइड हुआ तो फिफ्टीन, अब माइनस वन को इस साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा सिक्सटीन। तो एन का वैल्यू फाइंड हो गया है। अब हमको फाइंड करना है एस एन, एस एन इक्वल टू एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि हमको दोनों ही पता है, तो एस सिक्सटीन इक्वल टू सिक्सटीन बाई टू फर्स्ट टर्म है फाइव लास्ट टर्म है फिफ्टी, तो एट बाई सिक्सटीन बाई टू हो जाएगा एट मल्टीप्लाई फिफ्टी फाइव, एट फाइव जो फोर्टी, एट फाइव जो फोर्टी प्लस फोर फोर्टी फोर, फोर हंड्रेड फोर्टी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड का सेकंड, इसमें ए दिया हुआ है सेवन और ए थर्टीन दिया हुआ है थर्टी फाइव, हमको डी फाइंड करना है और एस थर्टीन भी फाइंड करना है, ठीक है। तो ए थर्टीन का मतलब होता है, ए थर्टीन थर्टी फाइव दिया हुआ है, ए थर्टीन का मतलब होता है ए प्लस ट्वेल्व डी। अब ए का वैल्यू है सेवन, सेवन को इसमें आर एच एस में ले जाएंगे तो माइनस होगा, तो ट्वेल्व डी इक्वल हो गया ट्वेंटी एट। अब डी इक्वल हो जाएगा ट्वेंटी एट बाई ट्वेल्व, फोर थ्री या ट्वेल्व, फोर सेवन या ट्वेंटी एट, देयरफॉर डी का वैल्यू आया सेवन बाई थ्री, ठीक है। अब फाइंड करना है एस थर्टीन, एस थर्टीन इक्वल टू थर्टीन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, लास्ट टर्म दिया थर्टी फाइव, तो थर्टीन बाई टू मल्टीप्लाई फोर्टी टू
ट्वेंटी वन से कट गया, 21 इंटू 13 273, तो 273 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड का थर्ड, ए 12 दिया हुआ है 37 एंड डी दिया है 3, ए फाइंड करना है एंड एस 12 भी फाइंड करना है। तो ए 12 का यूज़ करेंगे, ए 12 का मतलब होता है ए प्लस 11 डी इक्वल टू 37। अब डी का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ए इक्वल टू हो जाएगा 11 इंटू 3 प्लस 37, ए इक्वल हो गया 37 माइनस 33 दैट इज 4, ए का वैल्यू फाइंड हो गया है। अब एस 12 फाइंड करेंगे, एस 12 इक्वल टू 12 बाई 2, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म तो 4 निकला, 4 प्लस लास्ट टर्म दिया है 37, 12 बाई 2 होता है 6 मल्टीप्लाई 41, 246 इज द आंसर। फोर नंबर थर्ड का, ए 3 इसमें दिया हुआ है, ए 3 इक्वल टू दिया है 15, एस 10 दिया हुआ है 125, तो डी फाइंड करना है और ए 10 फाइंड करना है, ठीक है। तो ए 3 का मतलब होता है ए प्लस 2 डी इक्वल टू 15, ये हो गया इक्वेशन 1। एस 10 का मतलब होता है 10 बाई 2 प्लस 2 ए प्लस 9 डी, क्योंकि एन माइनस 1 डी होता है, एन का 10 लिखेंगे तो 10 माइनस 1 9 डी हो जाएगा इक्वल टू 125 दिया हुआ है ना, यहाँ पर इस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, एस 10 इक्वल टू 125। तो 10 बाई 2 हो जाएगा 5, हो गया 2 ए प्लस 9 डी इक्वल टू 125, ये 5 मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर डिवाइड होगा, तो 2a प्लस 9d इक्वल टू हो जाएगा 25, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको a और d का वैल्यू पता चल जाएगा, तो सॉल्व करते हैं, a प्लस 2d इक्वल टू 15 था और 2a प्लस 9d इक्वल टू 25 है, तो इस इक्वेशन में हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 1, तो आया 2a प्लस 4d इक्वल टू 30, 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, माइनस 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 4 में 9 माइनस 5d और ये हो गया 5, d इक्वल हो गया 5 बाय माइनस 5 माइनस 1। अब d का वैल्यू को पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में तो a का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, ए प्लस 2 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 15, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 होगा, माइनस 2 को उस साइड ले जाएंगे हर चीज़ में तो प्लस हो जाएगा, तो 15 प्लस 2 इक्वल टू 17। अब ए का वैल्यू फाइंड हो चुका है, डी का भी फाइंड हो चुका है, तो अब ए 10 फाइंड करना है, ठीक है। इधर का मिटा दे रहा हूँ, नाउ ए 10 इक्वल टू ए प्लस 9d, तो ए का वैल्यू कितना निकला है 17 और डी का वैल्यू निकला है माइनस 1, तो 17 माइनस 9 हो गया 8। फाइव नंबर बनाएंगे अब थर्ड का,
इसमें डी दिया हुआ है 5, एस 9 दिया है 75, ए और ए 9 फाइंड करना है। तो एस 9 का यूज करेंगे, एस 9 इक्वल टू 75 दिया है, तो इसका मतलब हो गया एन के जगह 9 पुट करेंगे, 9 बाई 2, 2a प्लस 9 माइनस 1 मतलब 8 डी, और डी का वैल्यू इसमें दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे 5 पुट करेंगे बाद में, तो 9 बाई 2 मल्टीप्लाई, अगर यहाँ समझने में दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 75, तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या है 9 है, तो यहाँ पर हम 9 पुट करेंगे और यहाँ भी 9 पुट करेंगे, तो 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा 8, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 8d, ठीक है। तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और 9 डिवाइड होगा, तो 2a इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 5, डी का वैल्यू 5 दिया है, 70 बता, ये 2 को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया और 9 को डिवाइड कर दिया, तो यहाँ बचा 2a, हो गया 3, ये 25, 50 बाई 3, 50 बाई 3 में 5 बाई जो 40 को माइनस कर दिया, तो 2a इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 LCM, 50 माइनस 120, 43 या 120 आएगा माइनस 70, तो 2a इक्वल टू माइनस 70 बाई 3, तो a इक्वल टू हो जाएगा माइनस 70 बाई 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 35 बाई 3, ए इक्वल टू माइनस 35 बाई 3। जैसे a का वैल्यू फाइंड हो गया है, अब a 9 फाइंड हो जाएगा, a 9 का मतलब होता है a प्लस 8d, a 9 इक्वल टू a प्लस 8d, a का वैल्यू कितना है माइनस 35 बाई 3 और d का वैल्यू 5 है, माइनस 35, ये 40 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 120 बाई 3, 85 बाई 3 आंसर हो जाएगा। देखो थर्ड का 6 नंबर में a 2 दिया हुआ है, d 8 दिया है, sn 90, n और an फाइंड करना है, तो सबसे पहले sn का यूज़ करते हैं, sn इक्वल टू 90 दिया हुआ है, sn का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 सॉरी n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 90 हो गया। अब इसमें n का वैल्यू तो दिया नहीं है, फाइंड करना है, a का वैल्यू 2 दिया हुआ है और d का वैल्यू 8 दिया हुआ है, इक्वल टू 90 हो गया, n बाई 2 यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई में है और 4 2 8 होता है, तो 2 दोनों में कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर n माइनस 1, ये 4 2 8 होता है तो 4 बचा, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है, इसको और इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, जो ब्रैकेट से बाहर आए उसी को कैंसिल करेंगे, तो यहाँ बचा n, ये हो गया 2 प्लस 4 इंटू n, 4 n, 4 इंटू 1 4 इक्वल टू 90। अब ये हो गया n, 4 n को पहले लिखेंगे, 2 माइनस 4 होता है माइनस 2 इक्वल टू 90, अब फिर से 2 कॉमन आ जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लिए तो अंदर बचा 2n माइनस 1 इक्वल टू 90, अब ये 2 इधर आके डिवाइड होगा, तो यहाँ पे बचा 2n माइनस 1 इक्वल टू 90 बाई 2 45, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू 45, 45 को अगर इस तरफ ले आएंगे तो माइनस 45 होगा। अब इसका स्प्लिटिंग करना है, 42 जा 90, 10 9 जा 90, तो 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0, इन दोनों में 2 कॉमन है, n भी कॉमन है, तो n माइनस 5 बचा, यहाँ पर 5 9 कॉमन है, तो यहाँ भी n माइनस 5 बचा, 9 5 जो 45 होता है, फिर से n-5 को कॉमन ले लेंगे,
तो यहाँ पे बचा 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, तो n माइनस 5 इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो n इक्वल टू आ गया 5, और यहाँ पे 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू हो जाएगा माइनस 9 बाई 2। एन का वैल्यू कभी नेगेटिव होता नहीं, इसलिए नॉट एप्लीकेबल होगा। तो इसका आंसर आया n इक्वल टू 5। तो n फाइंड हो गया है, अब हमको फाइंड करना है an। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूला होता है। ए का वैल्यू 2 दिया है, एन फाइंड हुआ है 5, 5 माइनस वन, और डी का दिया है 8। तो 2 प्लस 5 माइनस वन 4, 4 8 या 32, 32 प्लस 2 34। क्वेश्चन नंबर 7, थर्ड का 7। ए दिया हुआ है 8, ए एन दिया है 62, एस एन दिया है 210। फाइंड करना है एन और डी। तो पहले ए एन का यूज़ करते हैं, ए एन इक्वल टू दिया है 62, तो ए एन इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू 62। अब इसमें ए का वैल्यू तो 8 पता है, लेकिन डी का वैल्यू हमको पता नहीं है। 2 को इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस होगा, सॉरी 8 को इधर लेके आएंगे तो माइनस होगा। तो 8 n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू हो गया, 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 62 माइनस 8 54, एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू हो गया 54। अब एस एन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एस एन दिया हुआ है 210, एस एन मीन्स एन बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इक्वल टू 210, एन बाई 2 फर्स्ट टर्म यहाँ पे दिया हुआ 8 और लास्ट टर्म दिया 62, तो n बाई 2 मल्टीप्लाई 70 इक्वल टू 210, एन इक्वल टू 210 इंटू 2 बाई 70, ये 3 से कट गया, देयरफॉर n इक्वल टू आ गया 6। जैसे n पता चल गया तो n का वैल्यू को इसी क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो पहले क्वेश्चन को ही से स्टार्ट कर सकते हो, एस एन से स्टार्ट कर सकते हो, फिर इसको बाद में बनाना। तो एन इक्वल टू आ गया 6 माइनस वन इंटू डी, 6 माइनस वन हो गया 5, तो डी का वैल्यू हो गया 54 बाय 5। थर्ड का 8, ए एन दिया है 4, डी दिया है 2, एस एन दिया है माइनस 14। एन फाइंड करना है और ए फाइंड करना है। तो एस एन जब दिया हुआ है तो पहले ए एन का यूज़ करते हैं, ए एन इक्वल टू 4 दिया है, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू 4। ए का वैल्यू तो पता नहीं है, एन का भी पता नहीं है, डी का पता है 2 4। तो इसको हम इक्वेशन बना लेते हैं, 2 इंटू एन 2n माइनस 2 इक्वल टू 4, माइनस 2 के साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ए प्लस 2n इक्वल टू हो गया 6, ये इक्वेशन 1। अब एस एन का यूज़ करते हैं, एस एन इक्वल टू 1 माइनस 14 दिया है, एस एन का फॉर्मूला क्या होगा, एन बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म माइनस 14,
एन पता नहीं हमको, लेकिन ए का वैल्यू पता है, ए भी पता नहीं है, ए एन पता है 4 इक्वल टू माइनस 14। तो ये 2 माइनस 14 से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो एन ए प्लस 4 का वैल्यू हो गया माइनस 28। ठीक है, तो n का वैल्यू हो जाएगा माइनस 28 बाई ए प्लस 4। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है। बाय सब्स्टिट्यूशन, देखो इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, ए प्लस 2 एन की जगह पुट करेंगे माइनस 28 बाय ए प्लस 4 इक्वल टू 6। इसको मिटा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर होगा एलसीएम, ए प्लस 4, ए इंटू ए प्लस 4 हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4 ए माइनस 56 इक्वल टू 6। अब फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर प्लस 4 ए माइनस 56 इक्वल टू 6 ए प्लस 24। 6 से ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ, 6 ए को इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा 4 ए माइनस 6 ए माइनस 56 माइनस 24 इक्वल टू 0 बचा। यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर माइनस 2 ए माइनस 60 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसका मिडिल टर्म करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 10 है प्लस 8 है माइनस 80 इक्वल टू 0। ए कॉमन, ए माइनस 10 प्लस 8 ए माइनस 10 इक्वल टू 0। ए इक्वल टू ए माइनस 10 कॉमन ले लिए, फिर बचा ए प्लस 8 इक्वल टू 0। इसमें ए का दो वैल्यू आएगा, माइनस 10 जब रखेंगे तो हो जाएगा ए का वैल्यू प्लस 10, और जब प्लस 8 रखेंगे ए का वैल्यू हो जाएगा माइनस 8। ए का दो वैल्यू आया है, तो ए का दो वैल्यू जो आया है उसमें अब इसको जब 10 पुट करेंगे तो एन का वैल्यू क्या आएगा, तो एन इक्वल टू हो जाएगा माइनस 28 बाई ए प्लस 4 ये था, तो माइनस 28 बाई 10 प्लस 4 क्या हो जाएगा, माइनस 28 बाई 14 माइनस 2। जब ए का 10 लिया तो एन का माइनस 2 आया, और जब ए का माइनस 8 लेंगे तब क्या आएगा, 28 बाई माइनस 8 प्लस 4 माइनस 28 बाई माइनस 4 7। ठीक है, तो 7 और माइनस 8 एक में आ रहा है, एक में आ रहा है माइनस 2 और 10। तो इसमें एन तो नेगेटिव हो रहा है, तो एन तो लेना ही नहीं है, नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा ये। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा देयरफॉर यहाँ पर एन इक्वल टू माइनस 2 आया, तो ये नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे, तो एन इक्वल टू हो गया माइनस 7 सॉरी 7 और ए इक्वल टू माइनस 8, यही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एन नेगेटिव में आया था तो दो आंसर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड का 9, ए इक्वल टू 3 दिया हुआ है, एन इक्वल टू 8 दिया है, एस 192 दिया है, डी फाइंड करना है। सिंपल क्वेश्चन है ये, एन बाई 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 192। एन 8 दिया हुआ है तो 8 बाई 2 हो गया, 2 इंटू 3 8 माइनस 1 डी फाइंड करना है। तो ये हो गया 4 से कटा, ये 4 इधर आके डिवाइड होगा, यहाँ पे 3 टू जा 6
और ये 7d इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाई 4, ये जो 4 मल्टीप्लाई में था डिवाइड हो गया, 4 4 16, 4 8 32। अब 6 इधर आकर माइनस होगा, 7d इक्वल टू 48 माइनस 6, डी इक्वल टू 42 बाई 7 6, तो इसमें डी का वैल्यू आ गया 6, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें एल दिया हुआ है, मतलब दैट इज लास्ट टर्म, सम भी दिया है 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, एन दिया है 9, तो ए फाइंड करना है। सम दिया है 144, सम का फॉर्मूला हो गया एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 144, एन दिया हुआ है 9, 9 बाई टू, ए फाइंड करना है, एल दिया हुआ है 28, 144, तो ये 9 बाई टू आर एच एस में जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ए प्लस 28 इक्वल टू 144 इंटू 2 बाई 9, 9 1 9, 6 9 54, 32, तो ए इक्वल हो गया 32 माइनस 28, 4।